वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर कंटिन्यू अवर एक्सरसाइज 11.4 एंड स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6th. क्वेश्चन नंबर 6th, टू क्रॉस रोड्स ऑफ विथ 10 मीटर एंड कट एट राइट एंगल्स थ्रू द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 700 मीटर एंड ब्रेथ 300 मीटर. ओके, तो लेंथ ब्रेथ हमें दी है, तो इसकी ये फिगर दी आप यहाँ दे सकते हैं. तो ये रोड जो है वो ये कट की गई है इस साइड, तो हमें ये निकालना है. तो पी क्यू क्या दिया है 10, पी एस 300 सेंटीमीटर, ई एच जो है 10 और ई एफ दिया है 700. मतलब ये पूरा ई एफ आप कहाँ देख सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये ई एफ ठीक है पूरा. और के एल, के एल कहाँ पे है ये, और के एन, के एन कहाँ पे है ये है ये वाला. तो ये हमें इतनी दी है ठीक है. तो हम इसमें देख लेते हैं, ये आगे देखते हैं क्या है. तो एरिया फाइंड करना है हमें ठीक है. तो ये फॉर्मूला हम पुट करेंगे, पी एस इंटू पी क्यू प्लस ई एफ इंटू ई एच माइनस के एल इंटू के एन. ओके, बस ये वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे यहाँ पे, ये वैल्यूज़ जो थी. तो 300 इंटू 10, 700 इंटू 10 और 10 इंटू 10, तो ये 3000 आ जाएगा, 7000 और ये 100. 3000 में 7000 को प्लस करेंगे और 100 को माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा 9900 किसका हो जाएगा ठीक है. नेक्स्ट, इसको हम क्या करेंगे, 1 मीटर उसमें चेंज कर देंगे, 1000 हेक्टेयर्स होता है तो उसमें मल्टी डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा. अब एरिया हमें फाइंड करना है पार्क का, तो वही ए बी इंटू ए डी इक्वल माइनस 9900, 7 इंटू 300 मल्टीप्लाई किया 21000 आ जाएगा और 9900 में से माइनस कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमें फाइंड करना है कि एरिया को कितना कवर किया गया है रोड के द्वारा, और रेट फाइंड करनी है 110 पर मीटर स्क्वायर ठीक है. मतलब सेम टू सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है, वही फॉर्मूला अप्लाई होना है इसमें भी. तो ये आप कर सकते हैं, देखें यहाँ पर ठीक है, तो ये आप लोग कर लेना है. क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या फाइंड करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है प्रज्ञा ब्रॉट अ वुड अराउंड अ सर्कुलर पाइप ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, यानी रेडियस कितनी दी है 4 सेंटीमीटर. तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई राउंड पूरा कंप्लीट होता है ये ऐसा, तो हम इसमें पैरामीटर फाइंड करते हैं ठीक है. तो एरिया ऑफ सरकमफ्रेंस फाइंड करते हैं, ये पूरा पैरामीटर कहलाता है. तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल फाइंड करते हैं तो क्या होता है 2 पाई आर, आर की वैल्यू क्या है 4, तो ये पुट कर दिए. पाई की वैल्यू है वो हम 22/7 भी पुट कर सकते हैं और ये भी रख सकते हैं 3.14, तो इनका मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया. अब सेकंड ये दिया एरिया ऑफ स्क्वायर, वो तो सर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड, साइड थी 4, तो 4 4 16 ये आ गया. नेक्स्ट हम इसको माइनस कर देंगे, ये जो निकला है इसको 16 में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा आंसर. नेक्स्ट क्या लिखा है, एड जॉइनिंग द फिगर रिप्रेजेंट रेक्टेंगुलर लॉन विथ अ सर्कुलर फ्लावर बेड इन द मिडल. तो ये बता रहे द एरिया ऑफ द होल लैंड, यानी इस पूरे का एरिया हमें फाइंड करना है ठीक है. ओके, तो यहाँ देखते चलें आप, लेंथ क्या दी है हमें 10 मीटर, ब्रेथ क्या दी है 5 मीटर. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, दोनों का मल्टीप्लाई किया 50. अब एरिया ऑफ फ्लावर ब्लेड, यानी फ्लावर तो सर्किल में होगा, तो पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है 2 2 2 4, इसका इंटू किया इसमें तो ये आ गया. नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे इन दोनों का जो होल एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर में से रेक्टेंगुलर वाला हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल यानी फ्लावर बेड जो था वो फाइंड करना, तो आर की वैल्यू 2 थी, 2 का मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 उसमें और 2 का इसमें तो ये आ जाएगा 12.56. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड एरिया ऑफ द शेडेड पोर्सन ठीक है. तो इसको फाइंड करना है, तो ये हम देखते चले तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ठीक है क्या होता है वो पुट करेंगे, तो क्या होता है लेंथ टू ब्रेथ एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये रख दिया. और यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये वैल्यू पुट की 18 इंटू 10, बेस का 10 इंटू 6, और यहाँ पे भी 8 इंटू 10, 2 4 8 ये कट हो गया, 10 4 40 ये आ गया, 2 5 10 और 5 6 30 तो ये आ गया, और 8 10 जो क्या होता है 180 तो ये आ गया. अब इस 30 में 40 को प्लस करेंगे 70, 180 में से माइनस कर देंगे तो 110 हमारा इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट ये सेकंड में आपको ये वैसा सेम टू सेम उसी के जैसा करना जो अभी किया है 10 का सेकंड, तो ये आप लोग कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को हम देखते हैं, क्या लिखा, फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ए बी सी डी, यानी इस पूरे का हमें फाइंड करना है एरिया ठीक है. तो ये हमें वैल्यूज दी हैं, ए सी 22, बी एम 3 सेंटीमीटर, डी एन 3 सेंटीमीटर. ओके, तो अब यहाँ हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा है. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे,
तो ये ट्राइंगल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम फाइंड करेंगे ए बी सी, सेकेंड एरिया ए डी सी। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बेस इंटू हाइट, तो ये रख दिया हमने बेस 22 हाइट 3, यहाँ पे बेस 22 हाइट 3, तो बस ये 2 से 2 कट हो गया 11 टाइम, 11 थ्री जाए 33, तो ये आ गया। फिर इस 2 से 2 ये कट हो गया तो 11 आया, 11 थ्री जाए 33, तो ये आ गया। 33 और 33 को प्लस करेंगे तो आएगा 66, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करेंगे।